हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने पास सैमसंग गैलेक्सी F55 5G स्मार्टफोन जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स बताने वाले हैं, अगर आप उन सेटिंग्स को कर लेते हो तो जो आपके फ़ोन के जो कैमरा सेटिंग है ना, कैमरा क्वालिटी है ना, वो पहले से बहुत ही अच्छी आएगी। कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा, अगर आप कर लोगे तो फोटो में जो कलर डिटेलिंग कलर्स हैं और जो फोटो की क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो किस तरीके से करना है, कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू कर दें। तो आपको यहाँ पे बेस्ट कैमरा क्वालिटी सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे अपने फ़ोन के कैमरा ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन के कैमरा ऐप को ओपन कर लिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली इसे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे एंड ऊपर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर 3 डॉट दिख रहे होंगे साइड में कॉर्नर में, तो आपको ऊपर दिख रहे हैं 3 डॉट जो कॉर्नर में, आपको सिंपली इन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग का आइकन मिल जाएगा। सिंपली ये आपको सेटिंग में फोन की जो कैमरा सेटिंग है ना, उसमें रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद गाइस, आपके स्मार्टफोन की जितनी भी कैमरा सेटिंग है वो सारी कैमरा सेटिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको फिर से थोड़ा सा इस तरीके से स्क्रॉल डाउन कर दूँ नीचे आना है। जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे आपको यहाँ पे एक इमेज क्वालिटी या फिर फोटो क्वालिटी का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। पिक्चर क्वालिटी का देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो आपको सिंपली पिक्चर क्वालिटी पे क्लिक करना है। ये क्या होगा, ये क्या है कि अभी ये आपके फ़ोन में स्टैंडर्ड मोड या फिर लो मोड में होगा, तो सिंपल इसको लो से हटा के हाई पे सेलेक्ट कर देना है। हाई पे सेलेक्ट करने से आपके जो फोटो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी आएगी। तो आपको सिंपली यहाँ से हाई कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बैक आना है एंड थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद आपको जो एक बात का ध्यान रखना है, आप जब भी फोटो क्लिक कर रहे हो तो आपको सिंपली HDR को ऑन करके ही फोटो को क्लिक करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको आना है बैक। बैक आने के बाद आपको इसमें फिल्टर भी काफ़ी अच्छे खासे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें फिल्टर लगा के फोटो को क्लिक कर सकते हो। आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके के फोटोज हैं, सॉरी जो फिल्टर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से फिल्टर को लगा के अच्छी क्वालिटी में फोटोज़ वगैरह को क्लिक कर सकते हो।